साथी छोड़ के हमारा सरहज के लेके घर पे हमारा आपके पति जो है सरहज संग फरार हो गए हैं, छह बच्चियों को छोड़कर। छह बच्ची के छोड़ के मार के हम लोग सबके भगा दिए। अच्छा, आप सब लोग को मार कर घर से भगा दिए? हाँ, कौन है? पापा। ये कैसे हो सकता है? मार के भगा दिए कि तू लोग जाओ, हम नहीं रहेंगे घर। अब हम रोई थी लगे चौगो बच्चिया कहाँ से किया, हम कहाँ से पर हम कहाँ से कपड़ा कर, हम कहाँ से शादी ब्याह कर, हमारे तो दिन अपने बारे में चौ चौगो बच्ची हम क्या करें। तो आप पढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं करते, पैसा है ना तो करेंगे कहाँ से। पापा दोबारा मिलना चाहेंगे तो आप मिलोगी पापा से? मिलवे ना करेंगे। हाँ? मिलवे ना करेंगे। हाँ? ना मिलेंगे, हम कहीं मारने के लिए बोलते हैं कि तुमको मार दे। जिस उम्र में पिता को अपनी बेटियों के हाथ पीला करना चाहिए, उस उम्र में पिता अपनी छह बेटियों और पत्नी को छोड़कर सरहज संग फरार हो जाता है। और ये सब कुछ बिहार के राजधानी पटना के नौबतपुर में होता है, जहां पर एक माँ जो है अपनी छह बेटियों को लेकर दर दर भटक रही है कि कैसे हम बच्चियों को पढ़ाएंगे और कैसे इन बच्चियों का शादी करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बेबस माँ है, लाचार माँ है, जो दर दर थाना में भटक रही है कि हमें कब न्याय मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी इनको न्याय नहीं मिला है। बाकी हम इन्हीं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? चिंता देवी। अच्छा, ये बताइए आपके साथ क्या हुआ है? कि छह गो बच्चे ले पहले खिया पिया देवा हलन, जहिया से सरहज के ले गलन, जहिया से हमने बाल बच्चे के छोड़ दलन, तो दूसरा ही मजूरी कर कर के मांग मांग के खियावा ही पहनावा ही रखा ही ला। तो आपके पति जो हैं सरहज संग फरार हो गए? हाँ सरहज। ये क्यों हुआ ये सब घटना? ये साल भर हुआ। साल भर हुआ। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पहले कभी आप जो है अपने पति को सरहज संग बात वगैरह करते देख रही थी या फिर अचानक ये सब हुआ? नहीं अचानक हुआ, हम पहले से बात करते ना, हम देख लिया अभी यहाँ आवा हलन ससुराल में तो हम साथ न लेके आवा हलन यहाँ रह हलन। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि शादी के इतने साल बाद ये सब हुआ? शादी के क्या मतलब, आप लोग परेशान उनको कर रही थी, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा था या फिर अचानक ये सब हुआ? ना कुछ ना कुछ न कर रहे, यहाँ से गेलन तो यहाँ से खाना पीना सब बाल बच्चा सब दे वाले सब ले वाले, और तिया कह दिले ना कि माँ के मार दे बाल बच्चा के जान मार दे तो रहू ना तो ना रहू, सरहजिया कहल। हाँ ऐसा बोला? हाँ, जान से मार दे। हाँ दम जान से मार दे तो रहू ना तो ना रहू तो रहे। लेकिन अपने बच्चे तो इतने प्यारे होते, अपने बच्चे को कैसे ऐसे बोल सकते? हम बच्चे के हम अपन मार पीट कर लन तो हम अपन लेके नैहर चले ले। अच्छा, अभी आप मायके रह रही है? हाँ माए ही रह। जरा सोचिए कि ये 40 साल की माँ है जिनके पति जो है इनको छोड़कर फरार हो गए, जरा सोचिए कि इस माँ पर क्या बीतता होगा, क्योंकि इनको एक साथ छह बच्चों को पालना होता है। देखिए रोइए मत, आपको न्याय जरूर मिलेगा। क्यों रो रही है आप? देखिए रोइए मत, आपको न्याय जरूर मिलेगा। अब हम रोई थी लगे चौगो बच्चिया कहाँ से किया, हम कहाँ से पर हम कहाँ से कपड़ा कर, हम कहाँ से शादी ब्याह कर, हमारे तो दिन अपने बारे में चौ चौगो बच्ची हम क्या करें। मतलब छह छह चार चार को बच्ची है शादी करने के लिए, और इतना मुसीबत में आपको पति जो है छोड़कर चला है? पति छोड़ के हमारा सरहज के लेके घर पे हमारा। आपके पति जो है सरहज संग फरार हो गए, छह बच्चियों को छोड़कर, छह बच्ची के छोड़ के। जरा सोचिए कि इस माँ पर क्या बीतता होगा, और कहीं ना कहीं इस माँ के दर्द को समझना चाहिए कि इस माँ पर क्या बीतता होगा। अच्छा, आप क्या चाहती है? हम चाहती बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाई खर्चा बर्चा ब्याह शादी कर ला कपड़ा ला तो सब चाहिए हमरा। अच्छा, मतलब सब चीज चाहिए, क्योंकि हाँ। आपसे आप अभी करती क्या है? हम कुछ जो न कर रही है, दूसरा से मांग मांग के खाई थी, बाल बच्चा के खिला भी थी। मतलब लोगों से मांग मांग कर खा रही है और बच्चे को भी खिला रही है? हाँ, बच्चा के खिला। आप कहीं थाना में जाके अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई है कि वहाँ पर जाके आपको न्याय मिले? ना खीरी मोर गली करावे तो खीरी मोर के 10,000 रुपया दे के थाना हमरा भगा दलन की जाओ यहाँ से। थाना के यहाँ से भगा दिया गया आपको? हाँ, क्या बोला गया वहाँ? खीरी मोर थाना के जाओ यहाँ से, काम हो गया भागो। हाँ, हाँ। ऐसे बोला जा रहा था? हाँ, तो छह बच्ची के लेके चले ली। हाँ। क्या नाम हुआ बाबू? श्वेता कुमार। अच्छा, आपके पिता कहाँ है? घर है। हाँ? घर है। तो पिता आप लोगों को कब छोड़ दिए साथ से में से? एक साल हो गया। एक साल पहले पिता छोड़ दिया। पढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं, नहीं कर पाती है पढ़ाई। क्या नाम हुआ बाबू? सुलेखा कुमारी। अच्छा, आपके पिता कहाँ हैं? घर पे। कहाँ घर पे? दारा पे। अच्छा, तो आपके पिता आप लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए हैं?
दाढ़ा पे भी रह रहे हैं, छोड़ के चले गए थे तो फिर चला आए, मार के हम लोग सबके भगा दिए। अच्छा, आप सब लोग को मार कर घर से भगा दिए? हाँ, कौन है? पापा। आपके पापा खुद, मतलब आपके ही पापा जो है आप लोग को मार के भगा दिए? हाँ। ये कैसे हो सकता है? मार के भगा दिए कि तू लोग जाओ, हम नहीं रहेंगे घर में। हाँ, ऐसे बोल रहे थे? हाँ, मारे भी है उल्टी मामू पर, भैया पर, बड़का पापा पर केस भी कर दिए हैं। अच्छा, आपके ही पिता? हाँ। तो आप पढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं करते, पैसा है ना तो करेंगे कहाँ से। अच्छा, कभी मन करता है कि हमें पढ़ाई करना चाहिए, पढ़ाई करके कुछ बनना चाहिए? हाँ, हाँ? हाँ। तो फिर भी पढ़ाई नहीं कर पाती है? तो पैसा है तो करेंगे कहाँ से। पैसा नहीं है? नहीं। अच्छा, और आपके पापा कहाँ हैं अभी? दाढ़ा पे। दाढ़ा पे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पैसे नहीं है तो हम कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्या नाम है बाबू? ज्योति कुमारी। अच्छा, पढ़ाई करती है कि नहीं? नहीं। क्यों पढ़ाई नहीं करती है? पैसा नहीं है। पैसा नहीं है। पढ़ाई करती है बाबू? हाँ, पढ़ाई करती है ना। नहीं। कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या हुआ था इनके साथ? इधर आइए। क्या हुआ था इनके साथ? इनके साथ क्या हुआ, साल भर से ना पाता है लड़की वो लेके सरहज के। अच्छा, घर पर गई है, ननिहाल में शादी कर रही, शादी इसको था ननिहाल में। हाँ। ननिहाल में शादी करने गए तो रह गए 4-5 दिन। हाँ। बाद में गए तो मारपीट करने लगा। अच्छा, मारपीट करने लगा, पूरा गोली और बंदूक निकाल दिए। तो डरे भाई के साथ गया, मतलब अपने ही परिवार को मारने के लिए गोली बंदूक। हाँ, अभी सर गोली बंदूक लेके चलता है। हाँ, हाँ, क्या बोलता है? कहता है कि वो लोग के गोली पिस्तौल से मार देंगे, साला के मार देंगे। हाँ, ऐसे बोलता है? हाँ, सालों के मारे के लिए कहते हैं। लेकिन अपने पिता, अपनी पत्नी और बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब वो ऐसा है तब ना सर निकल गया सरहज के लेके। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं इसको? अब 6 बाल बच्चा लेके हम लोग कहाँ, हम लोग के तो नौकरी सर नहीं है। हाँ। हम भी लोग तो गरीब आदमी है। हाँ। 6 लेके कहाँ चलेगा, फैक्टर चलेगा? हाँ। हाँ? सोचिए कि ऐसे पति पर कहीं ना कहीं कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये महिला जो है अपने 6 को लेकर दर दर भटक रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बच्चों को कैसे पालेगी, इनको कैसे खाना खिलाएगी और इन बच्चों को कैसे शिक्षा दे पाएगी। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम और भी लोग हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप, कौन लगते हैं इनके? हम इनके भतीजा हैं। आप इनके भतीजा हैं? हाँ। थोड़ा सा इधर आइए, नीचे आ जाइए। क्या हुआ है इनके साथ? इनके साथ हुआ क्या है, इनका पति सरहज के लेके भाग गया। लेकिन पति ये बता रहे हैं कि पत्नी खुद भाग गई यहाँ से। नहीं, पत्नी कहाँ खुद से भाग गए हैं। हाँ। खुद उनको वो खुद फरार हो गए। हाँ, मतलब कि बहला फुसका के लेके चल गए हैं। और का पैसा वैसा दिखाए कुछ, बैंक अमाउंट वाउंट था, बस वही पैसा के कारण चल गया लेके। पैसा के कारण? हाँ, मतलब क्या चीज का पैसा ज्यादा था क्या? हाँ, था भाई, अकाउंट में पैसा वैसा कुछ था, 4-5 लाख रुपया। मनरेगा वनरेगा में काम करवाते थे। कभी पहले से भी प्रेम प्रसंग वगैरह चल रहा था क्या? चक्कर नहीं, कहाँ चल रहा है? पहले से कभी बात वगैरह हो रहा था फोन से? अब ससुराले आ रहे थे तो हम रह रहे थे। एक पिता कैसे अपने इतने सारे बच्चों को छोड़ सकता है? कुछ तो कारण होगा ना। कुछ कारण नहीं है सर। हाँ, कारण कुछ नहीं है। पूछो नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? हम क्या बोलेंगे सर? इधर आइए। किनके भाई हैं आप? जी, आपकी बहन है वो। जी, क्या हुआ है उनके साथ? हम यही कहना चाहते हैं कि मेरा 6 भगनी है, पूरा परपटी 6 भगनी के नाम से होना चाहिए। बस आपका यही मांग है? हाँ। मतलब इनके पापा का जो भी प्रॉपर्टी है। हाँ। सारे को बच्ची के नाम। हाँ। लिख दे कि इनका पढ़ाई हो सके। हाँ। और ये इनका शादी भी हो सके। हाँ, नाम से। हाँ। हाँ। बाकी अपना 50 थाना में FIR वगैरह किए हैं कि नहीं आप लोग? कहाँ करे थे सर? फिर वहाँ पर क्या बोला जा रहा है? वहाँ पर बोले था, पहले थाना बोला कि ठीक है, तुम चुप रहो। खिरीमोर थाना में FIR मेरा बहन किया। हाँ। मेरा भाई था। हाँ। FIR किया, उसके बाद बोला कि नैहर के आदमी के बुलाओ। यहाँ से हम लोग 20 आदमी गए थे वहाँ खिरीमोर थाना में, दिन भर बैठा के रखा, सांझ के बोला कि उसको चलान कर रहे हैं, आप लोग जाइए। हम लोग वहाँ से चल दिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया, ना कोई रास्ता निकाला। हाँ, पैसा दे दिया। आखिर रास्ता क्यों नहीं निकाला, इंसाफ क्यों नहीं दिया, आखिर कारण क्या है कि इंसाफ नहीं दिया? और अभी भी इनके जो पति है वो खुलेआम घूम रहे हैं ना। हाँ, हाँ, गिरफ्तारी। हाँ, नहीं हो रहा ना, 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 अभी, बाहर अभी जाना कभी दिखते हैं कि नहीं? ना, कभी घर पर रहते हैं, वही अपना। हाँ, हाँ। अभी आप लोग नहीं सोचते हैं कि जाके बात वगैरह करे तो सब चीज सुलझ जाएगा? नहीं सर, सुनता गोलियां पी दो। हाँ? ना सर, वो समझे वाले आम दिन सीधे कहे की दम, सीधे कहे की गोलियां मार दो दम। हाँ, घर में राना दबू दम, गोली मार दो सीधे। अच्छा, ऐसे बोला था, गोली मार देंगे? हाँ, दम गोली मार दो दम सीधे। हाँ, घर में ना रहे दबू, जहाँ ले जा, जान मार दो, गोली मार दो। एक और चीज, जब आप लोग बच्चा पैदा करते हैं तभी तो सोचना चाहिए कि हमारे पास इतने सारे बच्चे हैं। वो घर कुछ ना करे, सब बाल बच्चा के खाना पीना सब
दे हलन। हाँ। वो घर सब चीज दे। सरकार से क्या चाहती है आप? हम सरकार से चाहे थे कि हमारे लड़कन के पढ़ाई लिखाई कपड़ा लता ब्याह शादी से छोड़ के करवाओ। हाँ। जितना संपत्ति है सब हमारा नाम। ये माँ चाहती है कि कोई भी तो कहीं ना कहीं मददगार होगा जो इनको मदद कर दे ताकि ये 6 बच्चों को पाल सके और इन बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ा सके और आने वाले समय में इन लोग का शादी भी कर चुके, क्योंकि पति जो है सरहद संग इनको छोड़कर फरार हो गया है। ऐसे में अभी हम नौबतपुर में पहुंचे हुए थे और सोचेंगे क्यों ना इन लोगों का दर्द को दिखाते हैं, क्योंकि इन लोगों के साथ काफी समस्या है। कौन लगती है आप इनकी? माई हूँ। क्या हुआ है आपके बेटी के साथ? बेटी है सासा सोहेल है आपका। हाँ। लेके निकल गया है, लेके भाग गया मतलब। हाँ, सरहद संग। हाँ। तो पहले से चक्कर वगैरह चल रहा था या फिर अचानक हुआ ये सब? अभी क्या चाहती है आप? अब हम का कही बाबू के ऊन कहते हैं बाबू। ये बताओ कि आपको आपको क्या मतलब मांग है सरकार से? हमने के मांग है कि पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ, पढ़ाई लिखाई शादी भी सब कुछ चाहिए बस। अब पापा दोबारा मिलना चाहेंगे तो आप मिलोगी पापा से? मिलवे न करेंगे, मिलवे न करेंगे, न मिलेंगे। हम कहीं मारने के लिए बोलते हैं कि तुमको मार देंगे। मतलब पापा खुद अपनी बेटी को बोलते हैं कि मार देंगे? हाँ, मार देंगे। हाँ? हाँ। अच्छा, सोचिए कि कहीं ना कहीं ये बच्चिया जो है कहीं ना कहीं भावुक भी हो गई है, क्योंकि सोचिए कि हर बच्चों को उम्मीद होता है कि पापा हमारे लिए सारे जो काम जो भी है पढ़ाई लिखाई का सब कुछ करेंगे, लेकिन इस जिस उम्र में इन बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए उस उम्र में बच्चे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं कि कैसे हम खाना खाएंगे और कैसे हम पढ़ेंगे। बाकी इन लोग के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें जरूर दें, आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।